हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट बैन की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। सरकार ने अब 6 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान यहां वॉइस कॉल को छोड़कर एसएमएस सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 6 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पानीपत और चरखी दादरी में इंटरनेट सुविधाओं को बहाल कर दिया था, जबकि गुरुवार को कैथल, जींद और रोहतक को बैन करने के दायरे से बाहर कर दिया था। हालांकि इससे पहले 17 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल थे। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में इंटरनेट सेवा बैन करने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा 17 जिलों में इंटरनेट बैन की घोषणा करने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और हरियाणा सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है। यह याचिका अंबाला, हिसार और सोनीपत के 3 वकीलों ने डाली थी। हरियाणा सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही नहीं बल्कि फिजिकल हियरिंग भी हो रही है, तो उनको इंटरनेट की क्या जरूरत है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप भी तो इंटरनेट के माध्यम से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो पा रहे हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से पूछा कि किन कारणों की वजह से हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की गई। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से वकीलों ने ही आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं कई दिन से लगातार बंद चल रही हैं, इस वजह से उन्हें न्यायालय के बीच ऑनलाइन सुनवाई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा दिन तक इंटरनेट बंद करने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा सरकार से जवाब तलब किया गया कि आखिर किन आधारों के ऊपर इतने दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है, जबकि इंटरनेट सेवाएं बंद करने के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर सेवाएं कई दिन तक बंद की जाती हैं तो उसमें एक कमेटी बनाकर 7 दिन के बाद पूरी स्थिति को रिव्यू करना होता है। इसमें तमाम सवाल याचिका के बीच खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी, जिसमें न्यायालय की तरफ से सरकार को नोटिस जारी किया गया है। बेंस ने यह भी बताया कि इंटरनेट सेवाएं बड़े कारणों के साथ ही बंद की जा सकती हैं। उन्होंने कई कारण बताते हुए कहा कि जब तक स्थिति ऐसी पैदा ना हो, जब आभास होता हो कि इंटरनेट की वजह से कोई बड़ा नुकसान या अफवाहें फैल सकती हैं, तब तक बैन करने का फैसला नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.